तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। तो आप सभी को मैरी क्रिसमस ब्रो। तो चलो यार, आप लोग भी फटाफट से कमेंट में बोलो, इस वीडियो में ना 10K कमेंट से प्लस ही रहना चाहिए। okay. तो चलो यार, अभी हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन मिलने वाले कुछ फ्री के रिवॉर्ड्स के बारे में। एंड पता है, अपने जो न्यू ईयर का इवेंट है ना, क्या ही तो तगड़ा इवेंट है मेरे भाई। मतलब क्या ही तो फ्री के रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं इसके अंदर। इतना ही नहीं, एक बार मेरे अकाउंट में डायमंड्स तो देखो, मतलब यार ऑलमोस्ट 2000 डायमंड्स है। क्या मतलब कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे नहीं, सच्ची में मेरे अकाउंट में 2000 डायमंड है यार। पता है कैसे मिला? एंड ये सेम चीज ना आप लोग भी फॉलो कर सकते हो, आप लोग को भी मिलेगा। आप लोगों को ना फटाफट से स्किल क्लास पे आ जाना है। यहाँ पे ना पता, हम लोग को बहुत सारे गेम्स मिल जाते हैं। बस यहाँ पे ना आपको जो भी गेम इजी लगे या फिर जो भी गेम मस्त लगे ना, जस्ट हमें उसको खेल लेना है। उसको खेलने के बदले में ना हमें पैसे मिलते हैं भाई। अब देखो, जो भी मैं इजी गेम खेल के यहाँ से पैसे कमाता हूँ ना, उसको इजिली अपने UPI या फिर Amazon Pay पे आसानी से ट्रांसफर कर लेता हूँ यार। और अपना मोबाइल का रिचार्ज भी यहीं से कर लेता हूँ। क्योंकि पता है, यहाँ की यूनिक बात यह है ना कि हमें यहाँ पे हारने पे भी पैसे मिलते थे यार। और क्या चाहिए? किसका कर रहे हो यार, जल्दी से जाओ। बिकॉज यहाँ पे अगर आप अपने फ्रेंड को रेफर करोगे और उसके साथ में टूर्नामेंट खेलोगे ना, तो भाई बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। और यहाँ पे ना स्पेशल टूर्नामेंट के अंदर लैपटॉप, मोबाइल, ईयरफोन जैसे बहुत सारे प्राइजेस मिलते हैं। तो जाओ, वेट किसका कर रहे हो? क्योंकि अभी के टाइम पे ना यहाँ पे 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग खेल रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे लिंक है। वैसे यार, आप लोग को एक बात पता है क्या? लाइक जब मैं छोटा था ना, मान के चलो UKG या फिर 1 में पढ़ता होऊंगा उस टाइम, तो मैं क्या करता था, लाइक जब क्रिसमस आता था ना, मेरे को अभी तक याद है, मैंने एक बॉक्स बनाया था, ठीक है, कि स्क्वायर बॉक्स बनाया था और देन उसको अपने घर के बाहर ऐसे लटका दिया था। मैं सोचा था जो सेंटा क्लॉज होते वो आएंगे और मुझे गिफ्ट देंगे। मतलब यार, बचपन में कुछ अलग ही दिमाग चलता था। क्योंकि बचपन में तो मैं मूवीज बहुत देखता था ना, वो अलग बात है कि मैं आज भी बहुत देखता हूँ, बट बचपन में ज्यादा देखता था ना। तो होता क्या था कि लाइक उन लोग को जो बच्चे को मतलब वो देते थे, सेंटा क्लॉज आके गिफ्ट दिया करते थे, देन वो जो होता है ना जिसमें ठंड में जो हम लोग हाथ को ऐसे सेकते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, तो वो करते हैं ना, तो वहीं से मतलब सेंटा क्लॉज घर में आते थे, देन बच्चों को गिफ्ट देके चले जाते थे। नहीं, कार्टून देखता था, मूवी नहीं, मूवी तो भी देखता, मतलब कार्टून देखा करता था। और कार्टून में ऐसा हुआ करता था भाई, मैं सोचता था सच में आएंगे यार। मैं रात में ये उम्मीद से सोता था कि सुबह सेंटा क्लॉज आके गिफ्ट देके जाएंगे। और मतलब आप लोग के साथ ये हुआ है कि नहीं, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। आप लोगों ने कभी ऐसी हरकतें की है कि नहीं, या फिर आपको कभी ऐसा लगा है कि नहीं कि सेंटा क्लॉज आके मुझे गिफ्ट देके जाएंगे? मतलब यार, सही में याद करो ना, तो बहुत ज्यादा मतलब मजा सा आता है अंदर से। सही बात है। खैर, वो सब छोड़ो यार, इन सब चीजों को साइड में करते हैं ना, अभी हम लोग बात कर लेते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले काफी सारे बूम बाम अपडेट्स के बारे में। एंड अपना जो न्यू ईयर 2022 है ना, उसके रिलेटेड एक ना ये निकल गया, पोस्टर निकल गया है, जिसके अंदर एक बहुत ही तगड़ा वाला ग्लोअल का स्किन है, एक बहुत ही बवाल सा बंडल, बवाल सा बंडल नहीं, मतलब कोई तगड़ा सा बंडल है, और एक ये अपना प्यारा से इमोट। एंड भाई, यहाँ पे ईवो स्कार, इसका नाम क्या, शायद से मैग्ना डॉल या फिर मेगलाडॉन स्कार, ऐसा कुछ नाम है ना, तो ये वाला स्कार है भाई, अपना ईवो वाला, समझ रहे हो, क्या ही तो तगड़ा इवेंट है ये। अब मुझे पता है कि ये देखने के बाद आप लोग यही सोच रहे होगे कि भाई इंडिया सर्वर छोड़ो, इतना तगड़ा आइटम तो ये गरीना किसी भी सर्वर में नहीं देगा, इतना पागल थोड़ी है। तो गाइस, यहाँ पे आपको बता दूं कि जी हाँ गाइस, ये जो पोस्टर है ना, वो 100% रियल नहीं है भाई, इतना तगड़ा इवेंट थोड़ी दे देगा यार। तो पक्का लाइक अभी आप यही सोच रहे हो कि भाई अगर ये मतलब 100% रियल नहीं है तो आखिरकार ये है क्या भाई? तो यार देखो, सीन क्या है ना कि ये जस्ट एक पोस्टर है, ठीक है, जो पोस्टर आप लोग देखते हो ना गेम के अंदर या फिर ये सब आता है, तो ये जस्ट एक पोस्टर है, ठीक है, ये जो आइटम्स है वो हमें नहीं मिलने वाला भैया। एंड हाँ, आप लोगों को ना मेरे को एक और बात बतानी थी कि लाइक अपने गेम के अंदर जब भी एयर ड्रॉप्स आते हैं ना 10 या फिर 29 का, तो मैंने देखा कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे से मेंशन करके बोलते हो कि यार रिडीम कोड दे दो, तो मैं वहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। बट मैंने ये भी देखा कि आप में से बहुत सारे लोग कभी कभी क्या करते हो ना कि मेरे को अपने अकाउंट का आईडी पासवर्ड ही दे देते हो। भाई देखो, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ बट फिर भी बोल देता हूँ कि कभी भी किसी को भी अपने आईडी पासवर्ड मत दिया करो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि देखो, अभी के टाइम पे ना किसी को, अभी के टाइम पे ना आपके लाइफ में आपके मम्मी पापा के अलावा किसी पे भी भरोसा मत करना। एंड आप लोग ये बात समझते क्यों नहीं हो, आपका जो आईडी है ना वो आपकी मेहनत है, आप वो भी तो देखो कि उसके पीछे आपने कितना टाइम दिया है, भले ही आपको उससे कोई भी फायदा ना हो रहा हो, बट वो जो आईडी है उसके पीछे आपने बहुत ज्यादा टाइम दिया, वो क्यों नहीं सोच रहे हो? आपने लाइक उसको 50 लेवल का किया, 60 लेवल का किया, 70 लेवल का किया, 80 लेवल का किया, तो वो आपकी मेहनत है भाई। और ऐसे ही किसी को भी अपना आईडी पासवर्ड दे देते हो यार, ऐसा कभी मत किया करो, ठीक है। खैर छोरे, बाकी आप लोग खुद भी समझदार हो यार। एंड एक और बात की मैंने ये भी नोटिस किया कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करके बोलते हो कि भाई तो कभी कभी बंदों को नॉक करके उसको इमोट क्यों दिखाते हैं। तो देखो भाई, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं नॉर्मल जब भी गेम खेलता हूँ ना, मैं किसी को कभी भी इमोट नहीं दिखाता,
आता, मैं सिर्फ जब अपने फ्रेंड्स के साथ कस्टम खेलता हूँ ना, आप जब कस्टम का बैकग्राउंड में गेम प्ले देखोगे तो बस उसमें इमोट दिखाते हो यार नॉक करके। और आप लोग खुद बोलो, आप दोस्तों के साथ कस्टम खेलते हो तो उसको मार के इमोट नहीं दिखाते हो क्या? मैं मान ही नहीं सकता नहीं दिखाते हो भाई, हर एक बंदा अपने दोस्त को मार के इमोट दिखाता है। तो मैं जस्ट अपने दोस्तों को इमोट दिखाता हूँ, ठीक है, बाकी रैंडम मैं कभी किसी को नहीं दिखाता। हाँ वो बात अलग है, लाइक जैसे आप फाइट कर रहे हो, सामने वाला बंदा क्लैश स्क्वाड में आकर आपको इमोट दिखा रहा है, देन मैं भी कभी कभी दिखा देता हूँ। वैसे मैं उसको भी मतलब सीरियस नहीं लेता, कभी कभी दिखा देता हूँ, समझ रहे हो? जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते रहता हूँ और सामने वाला बंदा दिखाता है तब दिखाता हूँ, और बाकी मैं जस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ कस्टम खेलता हूँ ना तभी इमोट दिखाता हूँ नॉक करके। तो मैंने देखा कि आप में से बहुत सारे लोग बोलते हो कि यार किसी को मार के इमोट मत दिखाओ, तो वो मेरे फ्रेंड्स होते हैं, समझ रहे हो आप लोग? तो जस्ट ये सीन है, अब फ्रेंड्स को तो सब दिखाते यार, तो मैं भी दिखा देता हूँ फ्लो फ्लो में। एंड हाँ गाइस, वैसे अपने गेम के अंदर फाइनली मिस्ट्री शॉप भी आ गया है, तो चलो देखते हैं कितना का लक बनता है। बिकॉज देखो हम है भाई एकदम फुल लकी आदमी, ठीक है, तो 90-99 ऐसा लक लगते रहता भाई। तो चलो यार अपना ट्रक लाई करते हैं, मतलब ट्राई लक करते भाई। क्या 60% का दत्त, हमको खेलना ही नहीं है भाई, ये क्या है यार सीरियसली, क्या भाई 60% का लक भाई, इससे अच्छा लाओ ही मत मिस्ट्री शॉप, क्या यार बस। वैसे एक सेकंड, एक बार देख तो लेते हैं ना कि मिस्ट्री शॉप के अंदर एक्चुअली में आया क्या, ऐसे ही थोड़ी भाग जाएंगे। वैसे जो इसके स्क्रीन पे बंडल था वो तो मेरे को कुछ खास, हाँ ये वाला, ये बंडल मेरे को उतना कुछ खास लगा तो नहीं भाई, क्या है ये, उतना कुछ खास लगा तो नहीं। और बाकी आइटम्स में ये कोबड़ा वाला है जो कि हट मेरे को नहीं चाहिए। एंड देन क्या है यार मिस्ट्री शॉप में, कुछ ढंग का दिख रहा है क्या आपको, क्या है ये, मेरे को तो कुछ दिखा ही नहीं। एक हाँ ये CR7 वाला इमोट मेरे पास नहीं है, बाकी देखो मेरा जो वो इमोट वाला लोड आउट है ना भाई वो पहले से फुल हो रखा है, तो मेरे को इमोट भी नहीं चाहिए। बाकी क्या है भाई, कुछ तो है ही नहीं, लेंगे क्या इसमें से, स्विच करके देखते हैं, शायद इधर इन लोगों ने माल छुपा के रखा हो क्या। इधर भी तो कुछ भी नहीं है भाई, क्या है ये, नेम चेंजर कार्ड है 156, इससे अच्छा मैं गिल्ड टोकन से जाके 36 डायमंड में ना ले लूँ, हट। बाकी क्या भाई मिस्ट्री शॉप, कुछ झंका लगा क्या आप लोगों को, मेरे को तो कुछ लगा ही नहीं। वुकोंग का बंडल है, वुकोंग का बंडल लेके क्या करेंगे, जब भाई मैं जब खुद मैक्सिम लेके खेलता हूँ तो फिर मैं इसका लेके क्या करूँगा। ओ पेट फूड भाई, यही हमको चाहिए, तो चाहिए बस पेट फूड, हमको कुछ चाहिए ही नहीं, पूरा मैक्स कर खेलेंगे भाई मिस्ट्री शॉप के अंदर ये लोग पेट फूड दे रहे हैं भाई, पेट फूड का क्या करेंगे यार, हद है यार, कुछ तो है ही नहीं मिस्ट्री शॉप के अंदर। इलीट पास भी तो पहले ही से ले लिए थे यार, मेरा अलग ही भाई किस्मत खराब है, पता है मिस्ट्री शॉप आने के एक दिन पहले मैंने इलीट पास लिया था भाई। एंड हाँ वैसे 20 रुपये दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा, खैर छोड़ो 20 रुपये क्या ही दोगे, मैं खुद कंजूस हूँ तो फिर छोड़ ही दो, मैं मतलब नॉर्मली राज की बात बता देता हूँ। पता है ये जो मैंने इलीट पास लिया ना वो भाई सब स्किल क्लास के पैसे से लिया, सही बता रहा हूँ, आप लोग भी जल्दी से जाओ स्किल क्लास में भाई, लिमिटेड ऑफर है। तो गाइज मेरे को मिस्ट्री शॉप कुछ अच्छा लगा नहीं। देन हाँ वेट वेट वेट, जो मेन चीज बताना था क्रिसमस के रिवॉर्ड्स के बारे में, तो गेम के अंदर ना वो जो ग्रेनेड व्रेनेड का स्किन मिल रहा है दोस्त के साथ खेलने में, ये वो तो जाके कर लो यार, अब इसमें क्या बताऊँ, है ना, खुद ही समझदार हो आप लोग। बाकी तो मेरे को उतना कुछ लगा नहीं बताने के लिए, तो चलो यार मैं भी चलता हूँ अभी सोने, गुड नाइट, नहीं एक सेकंड, दिन हो गया क्या, हाँ दिन हो गया, तो चलो यार अभी सो जाता हूँ मैं, आप लोग वीडियो देख के आप लोग भी सो जाओ क्योंकि ऐसे भी तो आज छुट्टी है। तो चलो बाय, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल यार। और ये लो अभी जो अपने दोस्त के साथ स्किल क्लास में लूडो खेला था ना उसका पैसा भी जीत गया यार, तो पता अभी स्किल क्लास से आप भी लाखों कमा सकते हो, तो फटाफट से स्किल क्लास पे जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है।